तो की हाल है दोस्तों, सब ठीक ठाक बा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दोस्तों आईपीएल के सेकेंड मैच के बारे में। सेकेंड मैच दोस्तों मैं इसलिए कवर कर रहा हूं ना, क्योंकि ये मैच स्मॉल लीग के लिए भी बेस्ट है, मिनी जीएल के लिए भी बेस्ट है और ग्रैंड लीग खेलने वालों के लिए भी बेस्ट मैच है। दैट्स व्हाई दोस्तों मैं सेकेंड मैच कवर कर रहा हूं और सेकेंड मैच किन दो टीम के बीच में खेला जा रहा है। तो ये मैच आपका खेला जा रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आरसीबी और आरसीबी के सामने दोस्तों डीसी की टीम, दैट मीन दोस्तों दिल्ली कैपिटल की टीम। यहाँ पे दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैं एक इम्पोर्टेंट न्यूज बताना चाहूंगा। देखो दोस्तों इस मैच में ना दिल्ली टीम के दोस्तों जो कैप्टन है ऋषभ पंत, ध्यान रखना इस मैच में अनअवेलेबल है। लास्ट मैच में दोस्तों स्लो ओवर रेट की वजह से इनको बैन लगा दिया है एक मैच का। बकवास है लेकिन इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि अनअवेलेबल है, नहीं खेलेंगे। अब यदि दोस्तों दिल्ली की टीम में ऋषभ पंत नहीं खेल रहा है, एक तो दोस्तों कप्तान गया, सेकेंड दिल्ली के दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जो मिडिल ऑर्डर में बैलेंस बना के रखते थे वो गए, और इससे दोस्तों डायरेक्ट फायदा किसको हो रहा है, तो आरसीबी टीम को हो रहा है। अब आरसीबी की टीम को ऐसे भी ये मैच विन करना है प्लेऑफ में बने रहने के लिए, और लोडी दोस्तों सामने वाले टीम के दोस्तों कैप्टन नहीं खेल रहे, उनके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं खेल रहे हैं। आरसीबी की टीम रिसेंट मैचों में ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, और एक और एडवांटेज लो, ये मैच खेला कहां पे जा रहा है, तो दोस्तों आरसीबी के होम ग्राउंड पे खेला जा रहा है। तो दैट्स व्हाई दोस्तों ध्यान रखना इस मैच में जो आपका फेवरेट टीम होना चाहिए ना, वो दिल्ली ना होके आरसीबी होना चाहिए। जो मैंने पॉइंट बताया दोस्तों इस पे थोड़ा सा दम तो है, इसका ध्यान रखिएगा। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, इस वीडियो में आपके लिए गिव अवे का टोटल तीन क्वेश्चन है, ठीक ना, तीनों क्वेश्चन का दोस्तों आप लोग आंसर दो, 500 रुपीज का गिव अवे, कोशिश कीजिए दोस्तों विन करने का। एक और चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, गिव अवे में सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो दोस्तों इस चैनल के मेंबर है। अब आप ही बताओ यार, घर वाला को दूंगा गिव अवे या दोस्तों बाहर वाला को? अपने घर वाला को दूंगा ना, अपने फैमिली मेंबर को दूंगा। तो आप सभी दोस्त ध्यान रखना, यदि आप मेंबर है गिव अवे का दोस्तों क्वेश्चन में बताता हूं क्या है, पार्टिसिपेट कीजिए और फ्री में दोस्तों विन करके जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों गिव अवे का यही है कि आपको बताना है कि ये मैच कौन सी टीम विन कर रही है, आरसीबी की टीम दोस्तों विन कर रही है या दोस्तों दिल्ली कैपिटल की टीम विन कर रही है। अब इसका आंसर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है, बट आप दोस्तों डिफरेंट भी जा सकते हो, ठीक ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को कहां पे लिखना है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना है दोस्तों कि कौन सी टीम मैच विन कर रही है। चलिए ये तो हो गया दोस्तों गिव अवे, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा पिच को समझ लेते हैं, ज्यादा टाइम पास मैं नहीं करूंगा, थोड़ा सा बताऊंगा। अब देखो दोस्तों ये मैच खेला कहां पे जा रहा है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। तो सबसे पहले टॉस को समझ लेते हैं कि इस ग्राउंड में जो मैचेज होते हैं उसमें टॉस का कोई इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, जो भी टीम दोस्तों बैटिंग सेकेंड करती है ना, बैटिंग सेकेंड दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना 80% मैच विन करके जाती है। तो जो भी टीम बैटिंग सेकेंड करे, स्पेशली आरसीबी की टीम बैटिंग सेकेंड करे ना, तो सब कॉम्बिनेशन आरसीबी को फेवर कर लेना। लेकिन यदि दोस्तों दिल्ली की टीम बैटिंग सेकेंड करे, देखो कमजोर टीम जरूर है, लेकिन यदि आप ग्रैंड लीग में 5 टीम बना रहे हो तो फिर दोस्तों आप दिल्ली को भी 2 टीम में फेवर जरूर करना, 5 में 2 टीम में, तब जब दोस्तों दिल्ली की टीम बैटिंग सेकेंड करे। बैटिंग फर्स्ट में तो फिर आप 5 के 5 आप आरसीबी को ही फेवर करो। टॉस समझ लिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं एवरेज स्कोर क्या हो सकता है इस मैच का। तो यहाँ पे दोस्तों जो 2024 में मैक्सिमम मैचेज हुए ना चिन्ना स्वामी में, वहां पे दोस्तों देखोगे एवरेज स्कोर जो है ना वो डिपेंड कर रहा है दोस्तों टीम पे। अब टीम पे दोस्तों देखो, आरसीबी की टीम दोस्तों यदि बैटिंग फर्स्ट करती है, ठीक ना, आरसीबी की टीम दोस्तों फर्स्ट बैटिंग करे तो एवरेज स्कोर इस मैच का रहेगा 190 और 220 के बीच में। लेकिन यदि दोस्तों डीसी की टीम दोस्तों ध्यान रखना बैटिंग फर्स्ट करे तो ये एवरेज स्कोर कम के हो जाएगा 180 और 200 के बीच में। उसका रीजन बस दोस्तों क्लियर यही है कि आरसीबी का जो बैटिंग है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू दिल्ली। ऋषभ पंत रहते तो फिर मैं एवरेज स्कोर इसका भी बढ़ा देता, लेकिन ऋषभ पंत का दोस्तों अनएबिलिटी की वजह से थोड़ा सा एवरेज स्कोर दिल्ली का कम रहा है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा और इसी को ध्यान में रखते हुए अपना टीम बनाइएगा, बहुत आपको हेल्प करेगा। एक और चीज समझ लेते हैं कि पेसर और स्पिनर किसको यहाँ पे मैक्सिमम विकेट मिल रहा है। तो अभी तक दोस्तों जितने भी मैचेज हुए हैं 2024 में इस ग्राउंड में, उसमें दोस्तों आप देखोगे 85% विकेट तो दोस्तों पेसर ही लेके गए, सिर्फ 15% विकेट दोस्तों किसको मिले हैं, तो स्पिन डिपार्टमेंट को मिले हैं। मैक्सिमम विकेट दोस्तों ध्यान रखना कौन लेके जा रहा है, फास्ट बॉलर, डेट मीन दोस्तों पेसर लेके जा रहा है। तो आपको भी सब फोकस पेसर पे ही करना है,
स्पिनर ज्यादा ट्राई मत करना, एक कुलदीप को ले लेना, अक्षर पटेल जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं ले लेना, हो गया। हाँ, करण शर्मा पे थोड़ा सा आप इस मैच में इग्नोर करके चल सकते हो। आप विल जैक को ट्राई कर लेना, विल जैक दोस्तों इस मैच में बॉलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाले टीम में देखोगे तो लेफ्ट हैंडर काफी है, तो विल जैक ध्यान रखना इस मैच में। कैप्टन बीसी के लिए भी अच्छे ऑप्शन है, एक तो दोस्तों उनके फेवरेट ग्राउंड पे मैच है, बैटिंग फर्स्ट राउंड करने आएंगे और इस मैच में ऑफ स्पिन आपको बॉलिंग भी करके देंगे यदि मैक्सवेल नहीं खेलते हैं तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर ही लेते हैं प्रेडिक्शन पे ही। सबसे पहले आ जाते हैं दोस्तों हम लोग विकेट कीपिंग सेक्शन पे। यहाँ दोस्तों आप आओगे, फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा ऋषभ भैया का, ऋषभ भैया तो दोस्तों अनअवेलेबल है तो ड्रॉप करके ही चलते हैं। नीचे आते हैं दिनेश कार्तिक, दिनेश कार्तिक दोस्तों देखो बैटिंग फर्स्ट में आप ट्राई कर लेना, लेकिन बैटिंग सेकेंड में दोस्तों मैं नहीं ट्राई करूंगा, और वो भी दोस्तों चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, जहां पे दोस्तों बैटिंग सेकेंड में आप देखोगे मैक्सिमम टीम 7-8 विकेट से ही मैच विन कर जाती है, तो बैटिंग सेकेंड में कार्तिक मेरे टीम में नहीं रहेंगे। बैटिंग फर्स्ट में ट्राई करना हो तो आप मिनी जीएल ग्रैंडलिंग में ट्राई कर सकते हो। मेरा प्रेडिक्शन ये कर रहा है कि कार्तिक का बैटिंग भी आएंगे तो मैक्सिमम दोस्तों ये 10 से 20 रन स्कोर करेंगे, ज्यादा दोस्तों नहीं करेंगे। आपको रिस्क लेना हो ना तो नीचे दो ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, लोग ध्यान नहीं दे रहे लेकिन मेरा काम है आपको बताना। देखो एक तो शाही होप का ऑप्शन है, आपको फर्स्ट राउंड बैटिंग करेगा, दोनों ओपनर में से कोई भी आउट होगा ये दोस्तों आपको बैटिंग करने आएगा, लोग ले नहीं रहे, सिर्फ 19% का सिलेक्शन है, लेकिन चिन्ना स्वामी में मैच है दोस्तों, वेस्ट इंडीज का प्लेयर है, ध्यान रखना एक बहुत बड़ा दोस्तों आपके लिए ट्रम्प कार्ड का काम कर सकता है, फोकस आप थोड़ा सा जरूर रखिएगा इस प्लेयर पे, ठीक ना। मेरा प्रेडिक्शन ये कह रहा है दिल्ली की टीम बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकेंड करे, इस मैच में शाही ओप दोस्तों आपको 30+ स्कोर कर सकते हैं। और सेम प्रेडिक्शन है दोस्तों ए पावेल पे भी, ए पावेल ओपन बैटिंग करेंगे, ठीक ना, और ओपन बैटिंग के साथ साथ रिसेंट मैचों में आप देखोगे गजब का इन्होंने परफॉर्मेंस किया है दिल्ली के लिए, ओपन बैटिंग करें कंसिस्टेंट सभी मैच में 40-50 स्कोर कर रहा है, तो आपके पास यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन से मेरे अकॉर्डिंग दो बेस्ट ऑप्शन में शाही ओप और ए पावेल है। अभी के लिए दोस्तों मैं स्मॉल लीग में ज्यादा दे रहा हूँ इनको ए पावेल को, लेकिन मिनी जीएल ग्रैंड लीग में रिक्स जरूर लीजिएगा आप शाही ओप पे, हो सकता है आपको मिनी जीएल विन करवाने में भी हेल्प करे, ये चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों किधर, तो बैटिंग सेक्शन में, बैटिंग सेक्शन में आइएगा, फर्स्ट ऑप्शन विराट कोहली 100% टीम में लेके चलो, चिन्ना स्वामी में मैच है, विराट कोहली का रिसेंट मैचों में जैसा परफॉर्मेंस रहा है एक बार फिर से दोस्तों आप 50+ का उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि देखो सामने जो टीम है विराट कोहली किससे परेशान होंगे, परेशान होने में दोस्तों मैं बताता हूँ किस प्लेयर से थोड़ा ये परेशान हो सकते हैं, एक तो दोस्तों मेरे को लग रहा है खलील अहमद से थोड़ा सा इनको दिक्कत हो सकता है, और यदि ईशान शर्मा दोस्तों इस मैच में खेलते हैं तो वहां पे थोड़ा सा इनको ये वो दिक्कत कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम मेरे को लग रहा है कोहली स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो खेल लेंगे, फाफ डू प्लेसेस फास्ट खेलेंगे और कोहली बाद में जाके मैनेज करके 50 कर जाएंगे, तो टीम में तो यू में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले स्पोर्ट्स बाजी का दोस्तों जो तीन डिपोजिट ऑफर है ना 1, 2, 3 तीनों डिपोजिट ऑफर आप लोग को पता होगा दोस्तों यदि आप मेरे पुराने मेंबर है, हाँ लेकिन जो भी न्यू मेंबर है आप चाहते हैं कि दोस्तों आप टैक्स पे करके परेशान हो चुके हैं, स्पोर्ट्स बाजी टैक्स फ्री ऐप है, नो जीएसटी ऐप है दोस्तों, यदि दोस्तों आप चाहते हो कि यार कोई अदर ऐप जहां पे आप प्ले करते हो वो इतना कंजूस हो चुका है कि दोस्तों आपको डिपॉजिट ऑफर नहीं दे रहा है, स्पोर्ट्स बाजी आपको एक नहीं तीन तीन डिपॉजिट ऑफर दे रहा है और वो भी आपको 10% तक का रियल कैश आपको दे रहा है, एक तो यहाँ पे कमीशन इतना ज्यादा कम है कि वहीं से बहुत ज्यादा सेव हो जाता है, ऊपर से 10% का रियल कैश, अब बताओ आप क्या चाहिए। जिन भाइयों ने अभी तक इस डिपॉजिट ऑफर का लाभ नहीं लिया है भाई लोग क्या कर रहे हो, पैसा बर्बाद मत करो, सेव करो और उस सेविंग अमाउंट से और आप लंबा खेलो, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालो, तीन डिपॉजिट ऑफर है लाभ जरूर लेना, एक है दोस्तों 10% रियल कैश का जो भी आप डिपॉजिट करते हो 10,000 से ऊपर, एक जो मेरा फेवरेट है जो दोस्तों आप लोग का भी होगा जो भी आप डिपॉजिट करोगे 100 रुपया से ऊपर 7% का एक्स्ट्रा रियल कैश आप लेके जाओगे, कोड आप यूज कर लेना PROFIT7 जब भी आप डिपॉजिट करें। दोस्तों आज के दोस्तों गिव अवे के क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताना है दोस्तों विराट कोहली इस मैच में किसके बॉल पे आउट होने वाला है, ये दोस्तों आज का गिव अवे का क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 वीडियो के अंत में मैं शेयर कर दूंगा। फाफ डू प्लेसिस दोस्तों इस मैच में फिर से स्कोर करने वाले हैं और फिर से बढ़िया स्कोर करने वाले हैं, ड्रॉप मत करना दोस्तों दिल्ली का, ऑलरेडी देखो तो बॉलिंग बहुत ज्यादा मेरे को वीक दिख रहा है, तो फाफ डू प्लेसिस एक बार फिर से आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर है, जरूर आप लेके चलना। नीचे आइएगा टी स्टूप, अब यहाँ पे एक चीज देखो टी स्टूप ध्यान है दोस्तों,
ये प्लेयर को ना मैं स्टार्टिंग से फर्स्ट मैच में ही आप लोगों को रिकमेंड करता था। ये प्लेयर ध्यान रखना आने वाले मैच में बहुत अच्छा खेलेगा दिल्ली के लिए और दिल्ली के एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे। अब इस मैच में आप देखोगे दोस्तों ऋषभ पंत खेल नहीं रहे, ऑलरेडी दोस्तों दिल्ली का जो मिडिल ऑर्डर है ना बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है और इसकी वजह से दोस्तों ध्यान रखना इस मैच में टी स्ट्रोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इतना आपको रिकमेंड करूंगा यदि आप ग्रेडलिंग में रिक्स ले सकते हो ना कैप्टन बीसी भी ट्राई जरूर कर लेना। स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छा खेलते हैं और इस मैच में पूरा फोकस दिल्ली के टीम का इन्हीं पे रहने वाला है। तो ग्रेड लीग में कोई कैप्टन बीसी नहीं करके आएगा वहां पे आप रिक्स ले सकते हो। स्मॉल लीग में रिक्स नहीं लेना है, बस टीम में लेके चलना है, ओके ना, ध्यान रखिएगा। कहां पे रिक्स लेना है वो आप समझो और बस टीम रेडी करते रहो। वार्नर का दोस्तों एबिलिटी का पूरा अभी तक कोई कंफर्म नहीं है तो मैं भी दोस्तों ड्रॉप करके ही चल रहा हूँ वार्नर भैया को। ये फर्क बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मैच में, लेकिन मेरे को लग रहा है ना इस मैच में हो सकता है ये फ्लॉप भी चले जाए, लेकिन सिर्फ चिन्ना स्वामी का मैच है, छोटा सा स्टेडियम है, 30 रन भी स्कोर कर दिए तो आपको करीब करीब 40-45 फैंटेसी पॉइंट दे जाएंगे। लेकिन इस मैच में ध्यान रखना 50-60 रन स्कोर ये नहीं करेंगे, ठीक ना, 50 नहीं करेंगे स्कोर, करेंगे 30। मैं टीम में इसलिए ले भी रहा हूं लेकिन लंबा नहीं खेलेंगे। आउट इनको कौन कर सकता है मैं वो भी आपको प्रेडिक्शन दे देता हूं। आउट इनको मेरे को लगता है ना फर्गुसन कर सकते हैं, फर्गुसन इनको आउट कर सकते हैं। ये सिराज से दोस्तों ये परेशान नहीं होंगे, सिराज को तो दोस्तों ये ठहाका भी लगाने वाले हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं फर्गुसन से। रजत पाटीदार दोस्तों देखो रजत पाटीदार का ध्यान रखना, बैटिंग फर्स्ट यदि आरसीबी की टीम करती है तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बैटिंग सेकंड में दोस्तों मैं नहीं ट्राई करूंगा और स्पेशली ऐसे कॉम्बिनेशन में जब आप विराट कोहली को कैप्टन वाइस कैप्टन फाफ डुप्लेसिस नहीं तो विल जैक को कर रहे हो, यदि आप विल जैक फाफ डुप्लेसिस को वाइस कैप्टन नहीं ट्राई कर रहे हो फिर आप रजत पाटीदार को रख सकते हो, लेकिन यदि आप वो दोनों में से किसी को भी वाइस कैप्टन कर रहे हो तो इसका क्लियर इंडिकेशन क्या है दोस्तों कि आरसीबी की टीम 10 विकेट 9 विकेट नहीं तो बहुत हुआ तो 7-8 विकेट से मैच विन कर रही है, तो फिर ऐसे में रजत पाटीदार उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे बैटिंग सेकंड में। बैटिंग फर्स्ट में रिक्स लेना हो, रिक्स तो नहीं बोलूंगा, सिलेक्शन बहुत ज्यादा आई है तो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन बैटिंग सेकंड यदि आरसीबी की टीम करती है मैं 100% ड्रॉप करूंगा, बड़ा रिक्स होगा बट लॉजिक के साथ जाऊंगा। इनको ड्रॉप करूंगा तो मेरे वाइस कैप्टन विल जैक होंगे नहीं तो फाफ डुप्लेसिस होंगे, ये चीज का ध्यान रखिएगा। इनको लेना कैसे और ड्रॉप कैसे करना है इस चीज पे आपका मेन दोस्तों होना चाहिए पॉइंट, ठीक ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा। और नीचे दोस्तों कोई प्लेयर तो खेलेगा नहीं। अगर ऑलराउंडर सेक्शन में अक्षर पटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋषभ पंत के दोस्तों अनएबिलिटी की वजह से ध्यान रखना अक्षर पटेल इस मैच में बैटिंग भी पहले करने आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, और बॉलिंग भी आपको 4 ओवर करके देंगे। कैप्टन तो नहीं लेकिन वाइस कैप्टन दोस्तों ट्राई आप कर सकते हो इस मैच में, स्मॉल लीग मिनी जीएल ग्रैंड लीग तीनों में, टीम में तो आप जरूर लेके चल रहा है। रीजन मैंने बता दिया दोस्तों, क्वाले बैटिंग करेंगे 4 ओवर कंफर्म बॉलिंग करके देंगे। नीचे विल जैक दोस्तों एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे इस मैच में, एक तो दोस्तों आरसीबी में जो लास्ट मैच खेले थे इसी ग्राउंड पे कमाल का बैटिंग करके गए थे, सेकंड रीजन इस मैच में बॉलिंग करने वाले हैं। देखो लास्ट मैच दोस्तों मैक्सवेल नहीं खेले थे, यदि ये मैच भी मैक्सवेल नहीं खेलते तो विल जैक बॉलिंग करेंगे, कंफर्म रखना है ये चीज। सामने आप देखोगे लेफ्ट हैंडर काफी है, एक तो दोस्तों ए पावेल आपको मिल जाएगा जो ओपन बैटिंग करता है, अक्षर पटेल भी दोस्तों एक लेफ्ट हैंडर है और इस मैच में मैं जहां तक देख रहा हूं दोस्तों अक्षर पटेल पहले बैटिंग करने को आएंगे, तो हो सकता है विल जैक ना पावर प्ले में ही 2 ओवर बॉलिंग कर जाए, तो एक इंपॉर्टेंट पिक है विल जैक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कैप्टन बीसी भी आप विल जैक को इस मैच में ट्राई करो। नीचे दोस्तों मैक्सवेल का जैसा मैंने ऑलरेडी बता दिया लास्ट मैच में चोट की वजह से खेल नहीं रहे थे इसलिए मैं अभी ड्रॉप करके ही चल रहा हूँ। ग्रीन 100% लेके जाओ, फिर से 4 ओवर का बॉलिंग करेगा, बैटिंग से हो सकता है इस मैच में चांस न मिले लेकिन एज अ बॉलर 4 ओवर का बॉलिंग करेंगे, स्विंग बॉलिंग कराते इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, ड्रॉप मत करना। नीचे से दोस्तों जी ना भी उतना खास ऑप्शन है नहीं, आ जाओ बॉलिंग सेक्शन में, बॉलिंग सेक्शन में आइएगा कुलदीप यादव का ऑप्शन मिलेगा। अब देखो दोस्तों मैं एकमात्र ही दिल्ली का बॉलर लेने वाला हूं अपने टीम में और वो रहेंगे दोस्तों कुलदीप यादव, यदि आप रिक्स लेना चाहते हो तो कुलदीप को भी ड्रॉप कर सकते हो, ठीक ना, मैं बता रहा हूं कुलदीप को भी ड्रॉप कर सकते हो, यदि आप सेफ जाना चाहते हो तो कुलदीप ले लेना। और यहां पर ना एक रोटेशन भी मैं बताता हूं, देखो यदि आप रजत पाटीदार को टीम में ले रहे हो कुलदीप को मत लेना, सिंपल सा बता रहा हूं, यदि आप रजत पाटीदार को टीम में नहीं ले रहे हो कुलदीप को ले लेना, और मैं कुलदीप को ले रहा हूं, रजत पाटीदार अभी मेरे टीम में नहीं है। नीचे आइएगा खलील अहमद, बॉलिंग फर्स्ट में
ट्राई आप कर सकते हो। देखो खलील अहमद मैक्सिमम विकेट कहां पे लेते हैं, पावर प्ले में लेते हैं, और इस बार सामने जो टीम है ना, विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस, विल जैक, रजत पाटीदार बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, तो हो सकता है एक विकेट ले ले, लेकिन एक विकेट से ज्यादा दोस्तों इनको मिलेगा नहीं। तो इससे बेटर चॉइस दोस्तों मेरे को मुकेश कुमार दिख रहे हैं। यदि बॉलिंग फर्स्ट दिल्ली की टीम करती है, मुकेश कुमार दोस्तों ध्यान रखना डेथ में बॉलिंग करता है, और हो सकता है दोस्तों लास्ट ओवर में दो विकेट भी निकाल जाए। तो बॉलिंग फर्स्ट यदि दिल्ली की टीम करे तो खलील से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुकेश कुमार आपके लिए रहेंगे, ठीक ना। और यदि दिल्ली की टीम बॉलिंग फर्स्ट करे तो मुकेश कुमार मेरे टीम में रहने का 90% चांस है बोले तो, ठीक ना, ध्यान रखना। क्योंकि चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हमेशा जो भी बॉलर डेथ में बॉलिंग कराते हैं ना, उनको 100% विकेट मिलता है, क्योंकि विकेट दोस्तों लास्ट में जाता है, पावर प्ले में दोस्तों कम विकेट जाता है। तो ये रोटेशन का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ईशान शर्मा मैं नहीं ट्राई कर रहा हूँ दोस्तों, ट्राई करना और जीएल में करना। सिराज मेरे टीम में जरूर रहेंगे, क्योंकि सामने जो टीम है उतनी ज्यादा दोस्तों एक्सपीरियंस नहीं है दोस्तों, चाहे आप ये मैक को ले लो, चाहे दोस्तों आप ए पावेल को ले लो, दोनों दोस्तों ऐसे प्लेयर है जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है। सिराज भैया हो सकता है थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, तो इसलिए सिराज भैया को तो ऐसे भी आप लेके जाओ। लास्ट ऑप्शन में एल फर्गुसन को ले रहा हूँ, रीजन बस एक ही है कि दिल्ली की टीम वीक टीम है, तब जब दोस्तों जो स्ट्रॉन्ग टीम है उनके बॉलर को तो आप लोगे ना, तो एल फर्गुसन जो चार ओवर कंफर्म बॉलिंग करके देंगे, और दिल्ली के दोस्तों टॉप ऑर्डर बैट्समैन को बहुत ज्यादा परेशान भी करने वाले हैं अपने स्पीड की वजह से, अपने दोस्तों बाउंस की वजह से। फर्गुसन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक है, 23% सिलेक्शन है, हो सकता है आपका ट्रम्प कार्ड भी बन जाए। नीचे एनओजी खेल नहीं रहे, वो आईडिया को आप ट्राई करना चाहते हो ट्राई आप कर सकते हो, नॉट अ बैड ऑप्शन, लेकिन सामने जो मेरे को टीम दिख रही है मेरे को लग रहा है कि यश दयाल को खेल लेगी, लेकिन यश दयाल को ग्रेडिंग में आप जरूर ट्राई करना। ग्रेडिंग में यश दयाल को लेना हो ना तो आप देखो किसकी जगह ट्राई कर सकते हो, मैं ऑप्शन बताता हूँ, अक्षर पटेल की जगह रिस्क ले लेना, एक इसके जगह आप रिस्क ले सकते हो, नहीं तो एक ऑप्शन आप ले सकते हो इसके, ये जे फर्क की जगह आप रिस्क ले सकते हो। जैक की जगह इसलिए मैं रिस्क बोल रहा हूँ, हो सकता है जैक दोस्तों इस मैच में बड़ा स्कोर ना कर पाए, तो यदि आपको रिस्क लेना हो दोस्तों इस प्लेयर पे यश दयाल पे ले सकते हो, क्योंकि देखो जैक पावर प्ले में बैटिंग करता है, ओपन करता है, यश दयाल पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, तो आपको मैचअप ना देखने को मिलेगा, तो ये चीज यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हो। अभी मैं नहीं ट्राई कर रहा हूँ, मेरा टीम यही है। बात करिए कैप्टन बीसी इस मैच में किसको कंसिडर करके चलना चाहिए, तो देखो दोस्तों कैप्टन बीसी के लिए मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा इस मैच में, एक तो विराट कोहली हमेशा की तरह आपको बेस्ट ऑप्शन मिलेंगे, तो विराट कोहली को तो हम लोग ट्राई कर ही सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस मैच में ध्यान रखना एक जो मैंने आपको नाम बताया था अक्षर पटेल, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि इस मैच में मुझे लग रहा है ये बैटिंग भी पहले करेंगे, तो अक्षर पटेल कैप्टन के लिए विराट कोहली, अक्षर पटेल, ये दो मेरे फेवरेट ऑप्शन है। वाइस कैप्टन के लिए दोस्तों फाफ डु प्लेसिस को मैं ट्राई करना चाहूंगा, नहीं तो दोस्तों नीचे से मैं विल जैक को ट्राई करना चाहूंगा, किधर गए भैया, ये रहे, विल जैक को मैं ट्राई करना चाहूंगा, ये दोस्तों मेरे चार ऑप्शन है अभी के लिए। दोस्तों मैं कोहली और विल जैक के साथ जा रहा हूं, क्योंकि मैंने अपना टीम देखोगे तो दोस्तों बेंगलोर को फेवर करके बनाया है, इसलिए मैंने ये दोनों को कैप्टन बीसी अभी मैं ट्राई कर रहा हूं। आप लोग भी दोस्तों इस टीम को सेव कर लीजिए। भाई लोग यार देखो एक और ऑफर ना मिस हो गया था स्टार्टिंग में बताना, एक दोस्तों आपको ऑफर चल रहा है स्पोर्ट्स बाजी पे, 18 days strike 18 winner 800 each, आपको दोस्तों 18 दिन लगातार स्पोर्ट्स बाजी पे स्टैट्स प्रो प्ले करना है, और 18 दिन के बाद दोस्तों प्रत्येक विनर को 1800 रुपया मिलेगा। ये दोस्तों स्पोर्ट्स बाजी आपको देगा कोई, आपको बस आपको पर डे 100 रुपया का एटलीस्ट आपको प्ले करना है 18 दिन, वहां पे जो आपका प्रॉफिट होता है कोई ले नहीं रहा है दोस्तों, वो आपका प्रॉफिट है, लेकिन 18 दिन बाद दोस्तों स्पोर्ट्स बाजी भी आपको देगा दोस्तों 1800। इन भाइयों ने डाउनलोड नहीं किया स्पोर्ट्स बाजी ऐप तुरंत करें, लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, और कुछ का आप लाभ ले जाओ ना लो दोस्तों, डिपॉजिट ऑफर मिस मत करना, और फैंटेसी का दोस्तों जो मैंने फाइनल टीम दिया है स्पोर्ट्स बाजी पे सेव कर लीजिए। कोई खास चेंजेस दोस्तों फाइनल टीम में भी मैं दोस्तों करने वाला नहीं हूँ, तो आप लोग दोस्तों सबसे पहले इस टीम को सेव कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ जिससे आप लोग को पूरा टीम क्लियर दिखे। कैप्टन बीसी जो मैंने एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको बताया है ना उस पर थोड़ा फोकस रखना, आप लोग सेव कर लो इस टीम को, और देखो दोस्तों इस टीम में कोई चेंजेस करना भी होगा ना, एक सिंगल चेंज भी करना होगा ना, मैं आपको फाइनल टीम फिर से कहां पे दे दूंगा, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग ज्वाइन जरूर कर लेना टेलीग्राम को, मिस मत करना,
टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, और सबसे सिंपल कमेंट सेक्शन आप जाके चेक करो ना, वहां पे सबसे टॉप पे फर्स्ट पिन किया हुआ मिल जाएगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं गिव अवे के, दोस्तों आज के थर्ड क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों आज का गिव अवे का जो थर्ड क्वेश्चन है ना, वो ये है कि दोस्तों आज के मैच में सबसे ज्यादा दोस्तों फैंटेसी पॉइंट कौन सा प्लेयर देगा, सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट कितना देगा ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये बहुत हार्ड हो जाएगा, कौन प्लेयर देगा आप भी बता सकते हो। तो ये दोस्तों गिव अवे का थर्ड क्वेश्चन है। तो 1 2 3 तीनों क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, तीनों क्वेश्चन का कमेंट आपको नीचे कमेंट सेक्शन में करना है। ध्यान बस ये रखना है कि आप मेरे मेंबर होने चाहिए चैनल के, साथ ही साथ लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, एक और धमाके वाला वीडियो आने वाला है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर दोस्तों एंड बाय।